हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज कुछ स्टॉक्स दिया तो मैंने उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ कल का स्टॉक्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे यहाँ पे क्लोज दिया था कल। सो आज क्या करना है, कल मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था 101, ठीक है, 101, तो ये मेरा हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ठीक है। कल मैं बाई के लिए देता हूँ, राइट। तो मैं टारगेट कुछ देता हूँ 105 मान लो, ठीक है, 105। सो 101 पे मैं बाई दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे 98 पे होगा फॉर एग्जांपल। तो हमेशा हमारा मार्केट कैसे ओपन करना है, ये जो ट्रेडिंग लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल में, उससे नीचे खुलना चाहिए। नीचे कहीं पे भी 99 पे हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, कहीं से भी वो नीचे होके इसको ब्रेक करके फिर वापस जाके हमारा टारगेट को देना है। ये ही है सेटअप। ऐसा सेटअप हुआ तो तभी हमको करना पड़ेगा ट्रेड। अगर नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड 101 पे दिया, लेकिन हमारा प्लान क्या था, 101 से नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 103 पे ओपन हुआ। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? हमारा प्लान है वो नीचे खुलेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड लेवल को हिट करके ऊपर जाके 105 हो, 104 हो, वो टारगेट दे देगा, ठीक है, ये टारगेट दे देगा, तभी हमको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेम वे आपको मिरर इमेज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 95 पे आपने क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल 95 पे क्लोज दिया कल, मार्केट दिया था कल सुबह। मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 94 पे हमारा ट्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे सेल करना है हमको, ठीक है, कहाँ पे, 94 पे फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा प्लान क्या है, 94 से ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होके वो 94 हो सकता है, 96 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होना है। उसके बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके फिर वापस आके हमारा 90 कोई भी हो टारगेट हमको दे देगा। तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं लेवल देता हूँ उससे ऊपर ओपन होना है, जब भी सेल करने के टाइम पे ऊपर होके फिर उसको ब्रेक करके फिर हमारा टारगेट दे देगा। अगर नहीं, हमारा 93 पे गैप डाउन खुल गया, कौन सा लेवल पे, हमारा ट्रेडिंग लेवल, जो भी मैं सेल को देता हूं उससे हमारा, हमने डिसाइड किया सेल यहाँ पे करना है 94, लेकिन वो 93 या 92 पे खुल गया गैप डाउन, तब क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेडिंग का सेटअप है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेड लेवल होता है हम डिसाइड किया 101 पे बाई करना है, फॉर एग्जाम्पल वो नीचे खुलना चाहिए, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और टारगेट देना चाहिए। यहाँ पे भी सेल साइड के लिए उससे ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसको हमारा जो भी लेवल है ट्रेडिंग लेवल सेल ऑर्डर का, उसको ब्रेक करके हमारा टारगेट यहाँ पे दे देना है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। वही सेटअप है, अगर नीचे हमारा ट्रेडिंग लेवल पे नीचे गैप डाउन खुल गया तो ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग लेवल पे गैप अप खुल गया तो वो ट्रेड नहीं है बाय साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे हमारे ट्रेडिंग लेवल से नीचे नहीं खुलना चाहिए, ऊपर ही खुलना चाहिए, बाई से हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे खुलना चाहिए, तभी हमारा बाय ऑर्डर को हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, यही सेटअप है। और एक बात है, जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं वो अगर आपको एंट्री नहीं मिला कहीं पे भी, एंट्री नहीं मिला, नो एंट्री, तब क्या करना है, एंट्री नहीं मिला तो कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स बाय 10 AM। ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके, ठीक है, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके 10 AM तक। अगर 10 AM से कोई भी एंट्री नहीं मिला, पेंडिंग में ही है, सेल ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय ऑर्डर भी पेंडिंग में है, तो उसको ऑल ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं है, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो, समझ में आया ना। यही इसी के हिसाब से, इसी प्लान से मैं जो भी लेवल देता हूं टेलीग्राम चैनल में उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए, मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए,
और वहां पे ये सब चेक किया मैंने, कब कब कौन सा स्टॉक में, देखो एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, 6 महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, बीएचएल में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रेटजी स्कॉल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया आईटीसी स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाया वो भी देखिए, और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहाँ बनाया कौन सा महीने में कितना बनाया वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं है वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है, अगर क्वेश्चंस डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था, उसमें पहला वाला है SBI, ये देखो कल गैप अप होने के बाद इसको ब्रेक करके ऊपर जाना था तभी हम कंसीडर कर सकते ऊपर जाएगा, लेकिन यही से रिजेक्शन आएगा फिर रिवर्सल आ गया, इसलिए मैंने सेल के लिए दिया था तो ये सक्सेसफुल हो गया और मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए वापस आएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्कर भी देखो इतना बड़ा कैंडल आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आया देखो, और मैंने सोचा ये नीचे आ सकता है लेकिन ये नीचे उतना नहीं आया, फिर वापस इमीडिएटली SL हिट कर दिया, वही के वही मार्केट रह गया तो ये फेल हो गया, इट्स ओके। नेक्स्ट कल के लिए यहाँ पे स्टॉक्स लिया ICICI बैंक, ये देखो यहाँ से ये ब्रेक करके ऊपर जाना था लेकिन फिर रिवर्सल उसी रेंज में आके क्लोज किया, तो मोस्ट प्रोबेबली और नीचे गिर सकता है, इसलिए हम सेल के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है देखो फ्लैग जैसे बनाया ना तो फिर वापस आ गया, इसको ब्रेकआउट फेल्यूर कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैकडोवेल्सन, ये देखो ये सो ये देखो यहाँ से मार्केट ऐसे गिरा, ये देखो यहाँ से फ्लैग जैसे बनाया ना और नीचे गिरा और यहाँ तक गिरने की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि यहाँ से सपोर्ट 560 था, तो इसलिए सेल के लिए प्लान करेंगे। नेक्स्ट कमिंस इंडिया, ये देखो इतना बड़ा रैली आने के बाद राइट और ये छोटा कैंडल्स बनते जा रहा है, आज करेक्शन आया और यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है, मोस्ट प्रोबेबली आगे दिनों में यहाँ तक आके फिर वापस जा सकते हैं, तो एटलीस्ट कल के लिए यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो यहाँ से टच करके फिर वापस जा सकते हैं, तो इसलिए सेल के लिए प्लान करेंगे। सो कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन करो, नहीं तो वेबसाइट पर जाकर इसको क्लिक करने से द प्रो ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।